गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई एम अरमान सर। आप देख रहे हैं रियल मैथ बाई अरमान सर। इसमें हमने आपको बताया था कि मैथ से संबंधित छोटी से छोटी जानकारी, बड़ी से बड़ी जानकारी आपको ले देंगे हम। तो इसके लिए आपको हमने बताया था, आपको हमने चैप्टर वाइज सिखाएंगे। तो चैप्टर हमने 1.1 में आपको ऐड करना सिखाया था, नंबर्स का ऐड करना, फ्रैक्शन में ऐड करना सिखाया था आपको, और सिंपल हमने ऐड करना आपको सिखाया था। मगर आपको प्रॉब्लम होती है प्लस माइनस करने में। जैसे मान लिया हमारा एक्स में है, वाई में है, एक्स वाई आ जाता है, अल्फ़ाबेटिकली आपको ऐड करना शायद नहीं आता हो, कन्फ्यूज़न होती हो, तो उसमें आपको हम ये हमारा चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको अल्फ़ाबेट को ऐड करना माइनस करना बिल्कुल आ जाएगा। देखिए समझिए आप लोग अच्छे से। जैसे अगर आपको बोलते हैं हम ए में बी को ऐड कीजिए तो ए प्लस बी होगा, ए प्लस सी, ए में सी को ऐड करने में कितना आएगा, ए प्लस सी आएगा। ये दोनों ऐड नहीं हो सकता, होगा मगर ऐड के फॉर्म में लिखा रहेगा, जोड़ नहीं सकते इसको, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर यहाँ लिखें ए लिखा है, यहाँ थ्री ए लिखे हैं, देखिए ये भी ए है, ये भी ए है, मगर ये ए है, ये थ्री ए है, तो आपका ए और थ्री कितना होगा हमारा, फोर ए आया। देखिए ये ए प्लस बी नहीं जोड़ पाए क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ए प्लस सी भी हमें नहीं जोड़ पाया क्योंकि दोनों हमारा डिफरेंट डिफरेंट है, और ए प्लस थ्री ए जोड़ दिया क्योंकि हमारा दोनों क्या है, सेम टू सेम है। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, जैसे समझ लीजिए आपके पास दो मार्कर है और एक डस्टर है, कितना है, दो मार्कर और एक डस्टर, इसको ऐड करेंगे आपका दो मार्कर ही रहेगा और एक डस्टर रहेगा, अलग अलग रहेगा, तीन मार्कर डस्टर नहीं बोल सकते आप। जैसे अगर आप मान लीजिए इसमें हम अगर हमको ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम फ्रूट ले लेते हैं, दो आम है तीन अमरूद है, तो उसको जोड़ें तो कितना होगा हमारा, दो आम तीन अमरूद ही रहेगा, पांच आम अमरूद नहीं बोल सकते हैं आप, कि बोल सकते हैं, पांच आम अमरूद आप लोग इसमें नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दोनों क्या, डिफरेंट डिफरेंट। अगर यही बोलेंगे हम दो आम और तीन आम, कितना होगा, पांच आम ही रहेगा, जो नाम है वही नाम हमारा रहने वाला है, वो नाम हमारा चेंज नहीं हो सकता है। जिसे समझिए आप लोग अच्छे से, जैसे देख लीजिए अगर आपको यहाँ लिखा है 5a प्लस 2a प्लस 3b प्लस 7b, लिखा है कि नहीं, ठीक है, मान लेते हैं ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ओके। तो 5a, a में a को ही, a में a को ही जोड़ सकते हैं, इसमें b को नहीं जोड़ सकते हैं। तो a हमारा a है 5a और 2a कितना हुआ हमारा 7a, 3b 7b कितना होगा हमारा 10b। तो देखिए हमने ए ए को ऐड कर लिया, बी बी को ऐड कर लिया, ये दोनों को अब ऐड नहीं कर सकते, यहीं पर हमारा आंसर आ जाएगा, ये डिजाइन में हमारा आंसर आ गया, समझ रहे हैं कि नहीं। कि देखिए दोस्तों थोड़ा हंसते हुए क्वेश्चन को कीजिए, ज़्यादा अपने माइंड पे ज़्यादा फोर्स ना डालिए, सिंपल से कीजिए, सिंपल से कीजिए, क्वेश्चन आपको अपने आप आने लगेगा क्वेश्चन को, और हंसते रहिए, माइंड को फ्रेश किए रहिए हमेशा। तो देखिए यहाँ से अगर आप यहाँ 7a प्लस 10b ये दोनों को ऐड करेंगे, नहीं ऐड हो सकता ये, क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट, समान नाम के ही इंसान की आपकी चीज़ें जुड़ सकती हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा x वाला ले लेते हैं हम लोग, 5x ले लिए, 7x माइनस 3y प्लस 8y, ठीक है। देखिए हमारा ये x वाला है, y वाला है, देखिए x में कौन जोड़ेगा, x, क्योंकि जो समान चीज़ें तो वही से जुड़ती हैं, x में y थोड़ा जोड़ पाएंगे क्योंकि x अलग है, y अलग है, तो x में x जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। गुणा करने के नियम नहीं बता रहे आपको हमने, गुणा और भाग करने के नियम आपका एक्स वाई में डिफरेंट होता है, जोड़ने घटाने के लिए आपको क्या होता है, एक्स वाला एक्स में ही जोड़ेगा, वाई वाला वाई में जोड़ेगा, जेड वाला जेड में जोड़ेगा, जो नाम है उसी नाम में जुड़ सकता है, उसी नाम में घट सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर हम लोग 5x है और 7x है, 5 7 माँ कितना होता है 12x, माइनस लगा देंगे, देखिए माइनस 3y ये 8y, साइन क्या है, बड़ी गिनती के साइन लगाते कि नहीं, हमने चैप्टर 1.1 में आपको समझाया कि नहीं अच्छे से हमने इस बात को। तो देखिए यहाँ पर माइनस 3y प्लस 8y, तो बड़ी गिनती हमारा 8 है, साइन क्या है इसका, प्लस लगा देंगे, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 8 में से 3 गया 5 आया। अब बताइए इसको जोड़ेंगे, 12x
और 5y जोड़ेंगे। कुछ बच्चे बोल देते हैं कि 12 5 17 xy, तो कहाँ हो पाएगा ये, क्योंकि दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग है, अलग अलग चीज़ें नहीं जुड़ती हैं, समान चीज़ें ही जुड़ती हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, मुंह बना के आंसर आ गया, मुंह बना के आ रहा अभी। अभी देखिए खुशी खुशी भी आपका आंसर आने वाला है, क्योंकि देखिए थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा अभी ना आपको, अगला क्वेश्चन कराएंगे आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर आप रफ करते हैं, शॉर्ट स्क्रीन लेते रहिए फ्रेंड्स, ले लिए ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, यहाँ लिख लिए 7x² 5x - 8x² 5x + 7x + 8x². देखिए हमने x और x स्क्वायर में दिया है, प्लस माइनस में दिया है, x और x स्क्वायर में दिया और हमने प्लस माइनस में दिया है। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर जो हमारा समान है, समान नाम की चीज़ें हैं, उसको एक साथ में लिखते हैं। ये 7x² लिखें और फिर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर वाला है, तो प्लस वाला पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद में लिखेंगे। तो ये वाला 8x² पहले लिखेंगे और माइनस 8x² बाद में। अब हमारा पारी आई एक्स की, ये स्क्वायर वाला था, ये डिफरेंट था, अब हमारा क्या आने वाला है, एक्स वाला आने वाला है। तो ये माइनस 5x है, प्लस 5x और प्लस 7x, तो प्लस 5x को पहले लिखेंगे, प्लस 7x को पहले लिखेंगे और माइनस 5x को बाद में लिखेंगे। तो देखिए किनका किनका कंपेयर हो रहा है, आपका एक्स स्क्वायर का कंपेयर एक्स स्क्वायर में ही होगा, तो ये वाला जोड़ेगा और घट सकता है हमारा। तो देखते हैं हम साइन के अनुसार हमको मालूम चलता है कि भाई जोड़ेगा कि घटेगा, प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे। तो देखिए आप 7 8 कितना होगा हमारा, 15x² और माइनस 8x², इसको उतार लिया, ये भी होगा मगर नेक्स्ट टाइम में होगा। तो यहाँ देखिए हमारा एक्स वाला ये भी, एक्स वाला ये भी, एक्स वाला ये भी। तो हमने बताया था चैप्टर 1.1 में, प्लस वाले को पहले ऐड कीजिए, माइनस वाले को बाद में कीजिए। ये दोनों हमारा किस में है, प्लस में है, तो 5x + 7x कितना होगा हमारा, 12x और माइनस 5x उतार लिया। अब देखिए ये भी हमारा कुछ जुड़ सकता है, घट सकता है कि नहीं, देखिए ये स्क्वायर वाला है, ये भी क्या है, स्क्वायर वाला है ना, तो इसमें हमारा क्या हो सकता है, जोड़ेगा कि घटेगा। तो हम लोग साइन के अनुसार चलेंगे, बड़ी गिनती 15 है कि 8 है, 15 है, 15 का साइन हमारा क्या है, प्लस है, तो प्लस लगा देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 15 में से 8 गया, 7 बचेगा और एक्स स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ एक्स के पावर 4 और नहीं लिख देंगे हम लोग, जो है वही है। 5 आम में 3 आम गया, कितना बचेगा, 1 आम ही बचेगा कि कुछ और बच जाएगा, नहीं बच सकता ना हमारा। तो देखिए यहाँ पास 12x - 5x, 12 में से 5 घटाएं तो कितना बचेगा, 7x रहेगा, कुछ और नहीं लिख सकते अब लोग, प्लस लिखेंगे 7x। देखिए 15 में से 8 गया 7 आया, 12 में से 5 गया 7x आया। यहाँ देखिए ये स्क्वायर वाला है, ये एक्स वाला है, ये दोनों जोड़ेगा, नहीं जोड़ेगा ना। तो देखिए आप मुस्कुरा के आपका आंसर आ जाएगा, देखिए ये मुस्कुराएं कि नहीं बताइए, समझ में आएगा तो आप जरूर मुस्कुरा देंगे, नहीं आएगा तो फिर जानते मुंह बना के आंसर आएगा, और आप खुद ही जानते हैं अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो हमेशा आंसर आपका मुस्कुरा के आने वाला है। और समझाते हैं आपको अगले क्वेश्चन में, हम देख लीजिए एक क्वेश्चन और आप और डिफरेंट ले लेते हैं। यहाँ लिख दिया 5x² - 3y² + 8x। अब बताइए तीनों को जोड़ना है, जोड़ सकते हैं, देखिए इनका नाम पढ़िए पहले, ये क्या नाम है इसका, 5x² है, इसका नाम क्या है, x², इसका नाम क्या है, y², इसका नाम क्या है, ओनली x। तो ये तीनों क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट हुआ ना, तो ना ये जोड़ेगा ना ही कटेगा, ये वैसे ही रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको हमारी गारंटी, आपको 100% गारंटी दे रहे हैं, आपको मैथ आ जाएगी, चैप्टर वाइज चैप्टर हमारा पढ़ते रहिए आप। और कमेंट दोस्तों ज़रूर किया करिए, कमेंट अगर आप करते हैं तो उससे हमारा और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन बनाने के बारे में हम बता सकते हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, मगर कमेंट उसमें ज़रूर कीजिए, हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।